ध्रुव 2016 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे सुरेंद्र रेड्डी सर ने डायरेक्शन किया है और अल्लू अरविंद सर ने अपने बैनर गीता आर्ट्स के अंडर प्रोड्यूस किया है। इसमें अरविंद स्वामी, रकुल प्रीत सिंह और नवदीप के साथ रामचरण मुख्य भूमिका में हैं। एक फिल्म 2015 की तमिल लैंग्वेज में बनी थानी ओरुवन की रीमेक है। यह एक आईपीएस ऑफिसर ध्रुव की कहानी है जो एक हाई साइंटिस्ट सिद्धार्थ अभिमन्यु को गिरफ्तार करना चाहता है जो अपनी फायदे के लिए सीक्रेट मेडिसिन और गैरकानूनी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता है। प्रोड्यूसर डीबीबी दानया ने थानी ओरुवन को 5.5 करोड़ में खरीदे थे और कमिटमेंट किए थे कि या तो महेश बाबू या रामचरण इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। एक फिल्म की उस सीन की बीटीएस है जब इसिका ध्रुव के दोस्तों के साथ ध्रुव से मिलने को आते हैं। इस सीन में कैसे टेक देना है वो डायरेक्टर दोनों को समझा रहे हैं। जब ध्रुव और इसिका बात कर रहे होते हैं तभी कुछ चेन स्नेचर एक बुजुर्ग और उनके पत्नी पर हमला करते हैं और उन्हें मार के वहाँ से भाग जाते हैं। इस सीन को शूट करते हुए देख सकते हूँ जिसमें ध्रुव और उनके साथियों को उन बुजुर्ग को बचाने के लिए दौड़ते हुए। इस सीन को हैदराबाद में फिल्माया गया। आप इसमें रामचरण सर को अपने फैन को ऑटोग्राफ देते हुए भी देख सकते हो। आप जो बीटीएस देख रहे हो वो गोलकोंडा फोर्ट का सीन है जहाँ पे इस सीन को शूट किया गया था जब ध्रुव अपने दोस्तों के साथ उस चेन स्नेचर को ढूंढते हुए आते हैं। इस बीटीएस में ध्रुव को उनके दोस्त इशारा करते हैं उन चेन स्नेचर के ऊपर हमला करने के लिए। तभी हमें फिल्म में इस एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। इस एक्शन सीक्वेंस को करते हुए और टेक देते हुए आप देख सकते हो जिसमें रामचरण को फाइट सीन को प्रैक्टिस करते हुए भी देख सकते हो। बीटीएस में ध्रुव को कुछ दंगाइयों से फाइट करते हुए देख सकते हो। इस सीन को फिल्म में तभी दिखाते हैं जब एंजेलिना एक मीटिंग के लिए जाती हैं, लेकिन ध्रुव एंजेलिना के जगह इशिका को कार में एक्सचेंज कर लेते हैं। जब ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ गुंडे हमला करता है तभी इस सीन को दिखाया जाते हैं। इस सीन को पूरी तरह से ग्रीन स्क्रीन पर फिल्माया गया था। इस सीन को कैसे फिल्माया गया आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस बीटीएस में आप चरण सर को वर्कआउट करते हुए देख सकते हो। फिल्म में इस बीटीएस में ध्रुव की इंट्रो सॉन्ग पे दिखाया जाते हैं जब उनकी आईपीएस ट्रेनिंग को दिखाया जाते हैं। इसमें चरण सर मॉनिटर में अपने शॉट को देखते हुए एंजॉय कर रहे हैं। इस गाने के लिए चरण सर ने काफी हार्ड वर्क किया है। बेहतर मसल्स और फैंटास्टिक लुक के लिए चरण सर ने वेगन डाइट पे रहे थे। खुद को एक फाइटर के रूप में फिट करने के लिए कई अलग अलग ट्रेनर को हायर किया गया था जिसमें डोमिनिक जेम्स थे जो एक फिटनेस ट्रेनर और राजेश रामस्वामी उदियार भी थे जिन्होंने इसके पहले सुल्तान और दंगल जैसे फिल्मों में काम किए थे। इसके अलावा वास्को मार्टिस सर ने भी काम किया है। यह चरण सर का इंट्रो सॉन्ग है इसलिए वास्को सर ने इस गाने को कोरियोग्राफर किए हैं। आप उनको टेक के बारे में बताते हुए देख सकते हो। वास्को सर ने कई बॉलीवुड गाने में कोरियोग्राफी की है उनमें से काला चश्मा गाना भी था। इस गाने की बीटीएस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। इस गाने को हैदराबाद स्टूडियो में फिल्माया गया। सिर्फ इस गाने को शूट करने में करीबन एक महीना का वक्त लगा। इस फिल्म की क्लाइमैक्स में ध्रुव सिद्धार्थ अभिमन्यु को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ताकि सिद्धार्थ अभिमन्यु अपनी जुर्म कबूल करे और उनका साथ दे। तभी का यह बीटीएस है। क्लाइमैक्स सीन में सिद्धार्थ अभिमन्यु को बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के मरने का एक्टिंग करने को कहता है लेकिन सिद्धार्थ अभिमन्यु बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बाहर आ जाते हैं। तभी का यह बीटीएस है। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।